बेकार है ये बिहेवियर आपको, दिस इज नॉट अ गुड बिहेवियर। आप जब किसी को प्रेम चोपड़ा कहते तो अच्छा बिहेवियर होता है, आप किसी को विलन कहते अच्छा बिहेवियर होता है, आपके दादा की उम्र के और आप उनके बड़े अच्छे कस रहे हैं, आप ये सर्टिफिकेट दे रहे हैं। 1100 भारतीयों की जान गई थी अंग्रेजों की गोली की वजह से, 1100 भारतीयों की। सावरकर क्या कहते हैं, उत्साहपूर्वक अनुकूल सहयोग अंग्रेजों के साथ, अंग्रेजों की सेना में आप लोग हिस्सेदारी करिए। तुम्हें शर्म है कुछ, कह दीजिए ये तथ्य नहीं है। मैं बताता हूं, एक में मेरी बात कंप्लीट हो जाने। दूसरी बात, बचा सातवीं फेल, चुप बचा। बड़ा महात्मा गांधी ने, ही इज अ ब्रेव, ही इज रिवॉल्यूशनिस्ट, ही इज अ ग्रेट फाइटर, ये सब कुछ महात्मा गांधी ने कहा था। आशुतोष बड़े या महात्मा गांधी बड़े, मैं पूछ रहा हूं, एक सेकंड, दोनों भाइयों से, दोनों कजिन बेटा चुप रहे, दोनों कजिन बेटा चुप रहे। मैं नहीं, इंदिरा गांधी बड़ी हैं या आशुतोष जी बड़े हैं? देखिए आशुतोष जी, ना मेरी औकात है और ना आप कान खोल के सुन लेना, आपकी औकात है कि वीर सावरकर पर इतना भी हम उनके पैरों के धूल के बराबर नहीं है। हमारी हिम्मत जो रोज डिबेट करके इतने बड़े पुत्र को, इस भारत माता के पुत्र को हम रोज जलील करते हैं। तुम चुल्लू भर पानी में जाके डूब के मर जाओ। बड़ी खुशी है इस बात की कि संबित पात्रा ने मेरे किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिया। अब मैं उन सावरकर ने कानपुर अधिवेशन में, क्या मुंह से वीर सावरकर नहीं निकलता है? मेरे मुंह से वीर सावरकर नहीं निकल सकता। गांधी जी की हत्या में जिस आदमी का नाम हो, जिसको गिरफ्तार किया गया, क्या कमीशन ने लिखा, वीर नहीं हो सकता? सवाल जुम करो परी हुए कि नहीं? नहीं, कपूर कमीशन ने बिल्कुल नहीं, गलत बोला था, ये बोला था। लेकिन मैं तो एक सवाल पूछ सकती हूँ ना? मैं नहीं हो सकता, मैं आपत्ति करता हूँ, नहीं हो सकता मैं आपत्ति करता हूँ। अरे तो करना, परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से, ये भी परेशान हो गए, हम भी परेशान हो गए, करो फिर। एक मिनट, मैं प्रस्ताव पढ़ देता हूँ। कानपुर अधिवेशन 1942, क्या प्रस्ताव पढ़िए? जब 1100 भारतीयों की जान अंग्रेजों के गोली की वजह से गई थी, ये तो अलग है। मैं जवाब दूंगा बिल्कुल, आप मुझे डिस्टर्ब नहीं करिए। पहले इस पे जवाब दीजिए, पात्रा जी आप बोल रहे हैं, पांच जवाब मुझे डिस्टर्ब नहीं करिए। ठीक है, मैं जवाब, मैं प्रस्ताव पढ़ देता हूँ। हमदर्दी जता रहे हैं। जैसे ही कांग्रेस एक खुले संगठन के तौर पर एक राजनीतिक मैदान से हटा दी गई है, तो अब राष्ट्रीय कार्यवाहियों के संचालन के लिए केवल हिंदू महासभा ही मैदान में रह गई। हिंदू महासभा के मतानुसार व्यवहारिक राजनीति का मुख्य सिद्धांत अंग्रेज सरकार के साथ उत्साहपूर्वक अनुकूल सहयोग की नीति है। ये कौन सी नीति है? कचरा पेटी को, अरे कैसे ले? मैं प्रस्ताव पढ़ रहा हूँ आपके सामने, बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। अरे बता, सुनिए ना। नहीं नहीं, आप साबित कीजिए गलत है, ऐसे नहीं कह रहे। नहीं, मैंने आपको डेट दिया, मैंने प्रस्ताव का नाम दिया। नहीं, बिल्कुल नहीं, सुनिए सुनिए, बिल्कुल नहीं। लानत है तुम लोग पे, लानत। ये बात है, अरे सर क्या बात है? अंग्रेजों के साथ सहयोग, किसने कहा सहयोग? किसने कहा सहयोग? सुन लीजिए, मैं उत्तर दे रहा हूँ, मैं उसका उत्तर दे रहा हूँ। सुनिए, आप डिफॉल्ट कर क्यों रहे हैं? सुनिए, आप डिफॉल्ट करिए। सुनिए, जब 1100 भारतीय शहीद हो रहे थे, आप कहाँ थे? काम का ना काज का, दुश्मन अनाज का। आशुतोष जी माफी मांगे, उनकी हिम्मत इतनी, उन्होंने कहा कि नाथुराम गोडसे और वीर सावरकर को एक साथ उन्होंने खड़ा कर दिया कि वीर सावरकर आरएसएस से थे और वो हत्या करना चाहते थे और हत्या करना। नहीं, आप माफी मांगे, उन्होंने गांधी की हत्या करवाई। कौन भौंक रहा है ये बदतमीज? इन्फॉर्मेशन बिल्कुल नहीं, कोई सी इन्फॉर्मेशन होना चाहिए। करके दिखेंगे इन्फॉर्मेशन, मेरे खिलाफ धमका रहे क्या? करके दिखेंगे, क्यों नहीं करेंगे? मैं फैक्ट तो कहता हूं, आपके आपके गुरु राहुल गांधी ने किया है, आपके गुरु के खिलाफ हो रखा है डिफॉर्मेशन के खिलाफ, तो आप क्या चीज है? आप क्या धमकी दे रहे हैं मुझे? क्यों नहीं डिफॉर्मेशन? आपके जैसे इतिहास धमकी दी है ना गुरु, बिल्कुल सच है। लेकिन 1964 में जब इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर नहीं थी और वो जवाहरलाल नेहरू प्राइम मिनिस्टर थे, लाल बहादुर शास्त्री प्राइम मिनिस्टर थे, तो कांग्रेस में उसे मोदी जी फेंक, उसे मोदी जी मेरी बात से, आप गूगल करिए मोदी जी क्या बात है, मुझे नहीं, आप गूगल करके बताइए मोदी जी बात है, तो करें क्या, बोले तो बोले क्या? वाह मोदी जी, वाह वाह। Let me up with a bright smile on now. Put me in the dark, so won't get lost now. To the moonlight, eyes you are real.